तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। तो भाई इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं पूरी की पूरी सेंसिटिविटी के बारे में कि आप अपनी सेंसिटिविटी कैसे पता कर सकते हैं कि आपके लिए कौन सी सेंसिटिविटी बेस्ट है और किस में आप बेस्ट खेल सकते हैं। क्योंकि मेरे कई भाई ऐसे करते हैं कि अपने टीममेट्स की सेंसिटिविटी कॉपी कर लेते हैं और उससे खेलने लग जाते हैं। तो गाइज़ आप अपनी सेंसिटिविटी पता करो कि मैं कौन सी सेंसिटिविटी में बेस्ट खेलता हूँ और मेरे लिए कौन सी वाली बेस्ट है। तो गाइज़ सबसे पहले तो आपको अपनी एक सेंसिटिविटी रखनी होगी। मेरे कई भाई लोग क्या करते हैं, वो जैसे कोई रैंडम मैच में खेल रहा है या कोई उनका फ्रेंड है कोई बढ़िया खेल रहा है, उसका एम अच्छा है, तो उसको बोलेंगे भाई अपनी सेंसिटिविटी के स्क्रीनशॉट लेके मुझे भेज, मैं ये सेंसिटिविटी पे खेल के देखूंगा। तो गाइज कोई भी प्रो प्लेयर बना गाइज वो अपनी सेंसिटिविटी खुद फाइंड किया उसने और खुद उसमें प्रैक्टिस किया और खुद प्रो बना गाइज। आपको किसी की सेंसिटिविटी के साथ खेल के नहीं गाइज आप प्रो बन जाओगे, आपकी प्रैक्टिस आपको प्रो बनाएगी कि आप कितना प्रो बनोगे। तो गाइज आप एक सेंसिटिविटी रखो, बार बार अपनी सेंसिटिविटी को चेंज मत करो और जो सेंसिटिविटी रख रहे हो उसमें ही खेलो गाइज कम से कम एक सीजन, तभी आप उसमें प्रो बन जाओगे, आपका एम बिल्कुल ऐसा हो जाएगा। तो गाइज सबसे पहले जो लो सेंसिटिविटी की डिसएडवांटेज है गाइज वो ये है कि उससे आपकी जो स्क्रीन मोबाइल की स्क्रीन होती है गाइज, और जिन मेरे भाइयों की मोबाइल की स्क्रीन छोटी है मैं आपको रेकमेंड करूंगा, अगर आपकी मोबाइल की स्क्रीन 6.2 इंचज से कम है तो आप लो सेंसिटिविटी मत यूज़ करें। अगर 6.2 इंचज से ज़्यादा है आपकी मोबाइल की स्क्रीन फिर आप लो सेंसिटिविटी भी यूज़ कर सकती हैं। क्योंकि गाइज अब स्क्रीन छोटी होने के कारण गाइज हमें अपने थंब थोड़े से ज़्यादा मूव करने पड़ते हैं, उससे हमारी स्क्रीन और कवर हो जाती है और हमारा जो व्यू है वो ब्लॉक हो जाता है एक तरह से। तो इसीलिए गाइज देखिए ये सेंसिटिविटी दो तरह की होती है, एक ADS सेंसिटिविटी के बारे में बात करेंगे और एक कैमरा सेंसिटिविटी के। तो गाइज दो तरह की होती है, एक ADS होती है और एक कैमरा होती है। सबसे पहले हम कैमरा की बात करते हैं गाइज, सबसे पहले अपनी आती है थर्ड पर्सन नो स्कोप सेंसिटिविटी। ये गाइस कैमरा की सेंसिटिविटी होती है कि जब जब हम एम करते हैं एनिमी को या जब हम अपना उसका जो मेन कैमरा होता है गाइस जिससे हमारा जो बंदा होता है वो घूमता है, जब हम कैमरा घुमाते हैं ये गाइस उसकी सेंसिटिविटी होती है। गाइस आपको ये सेंसिटिविटी सेट करने के लिए मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप ट्रेनिंग मोड में जाएं। तो गाइस सबसे पहले ट्रेनिंग मोड पे चलते हैं हम लोग। गाइस ट्रेनिंग मोड में जाने के बाद हम लोगों ने क्या करना है, अपनी कोई भी गन उठा लो गाइस मनपसंद, और गन उठाने के बाद गाइस आपको आगे जाके इन टारगेट्स पर चले जाना है। तो गाइस इन टारगेट्स के जाने के बाद गाइस आपको अपना जो क्रॉसियर होता है गाइस उसको आपको एक एक के हेड में या एक एक पे उसको आपने एम करना है। अगर गाइज आपका वो एम बिल्कुल एग्जैक्ट हो रहा है तो आपके लिए सेंसिटिविटी ठीक है, आपने थोड़ी सी तेज़ करनी है गाइज। अगर तो आपका जो क्रॉसियर है गाइज वो मूव ऑन हो रहा है आगे जा रहा है तो आप गाइज उसको सेंसिटिविटी को कम करो और फिर आप करके देखो गाइज, और अगर गाइज वो ज़्यादा आगे जा रहा है तो आप थोड़ी सी कम करो गाइज सेंसिटिविटी, और अगर आपका एम गाइज पीछे जा रहा है थोड़ा सा तो आपको ज़्यादा करने की ज़रूरत है। आप गाइज पहले इस पे एम करो, अगर ठीक हो रहा है गाइज तो आपके लिए ये सेंसिटिविटी अच्छी है, बिल्कुल एग्जैक्ट एम होना चाहिए गाइज। और अगर गाइज थोड़ा सा आगे पीछे हो रहा है एम तो आप सेंसिटिविटी में जाके उसे कम करो, दोबारा एम करके देखो। उसके बाद गाइज अपनी नेक्स्ट आती है रेड डॉट और होलोग्राफी एम असिस्ट। गाइज उसका ये है कि आप जब रेड डॉट लगाओगे या होलोग्राफ लगाओगे उसकी क्या सेंसिटिविटी रखनी है, ये गाइज होती है जब हम रेड डॉट करके बिना फायर किए सिर्फ रेड डॉट से हम देखते हैं अपने आयरन साइड से, उससे कितनी सेंसिटिविटी रखनी है गाइज। वो आप ऐसे ही गाइज आप जैसे हमने उसको एम किया था आप ऐसे एम करके देखो अकेले अकेले को, अगर गाइज उसके आपका एम की सेंसिटिविटी ठीक आ रही है तो आपको वैसे ही उसे ठीक रखनी है, अगर आपकी सेंसिटिविटी थोड़ी सी ज्यादा है तो आपको उसे कम करना है, सेटिंग्स में जाकर फिर एम करके देखना है। अगर आपकी सेंसिटिविटी कम है गाइज तो आपको थोड़ी सी ज्यादा करके देखनी है फिर आपको दोबारा एम करके देखना है। इसी मेथड से सभी को आपको कैमरा की सेंसिटिविटी आपको बिना फायर किए सिर्फ एम करना है गाइस कैमरा से, फिर गाइस उसके बाद 2x एम करो, फिर 4x, फिर 3x, फिर 6x। 6x की गाइस आपको 6 और 8x की आपको वो दूर करनी है जो दूर वाले बोर्ड है उन पे करके देखो गाइस 6 और 8x। तो गाइस उससे आगे चलते हैं, उससे आगे आती है ADS की सेंसिटिविटी। तो गाइस ADS की जो सेंसिटिविटी होती है वो होती है जब हम फायर करते हैं, फायर करते हुए जैसे गाइस हम मूविंग टारगेट को मारते हैं, फायर करते हुए अपनी गन मूव करते हैं गाइस, उसे ADS की सेंसिटिविटी बोलते हैं कि वो कितनी तेज रखनी है। मैं आपको रेकमेंड करूंगा गाइस जो इसमें मूविंग टारगेट्स को मारने की थर्ड पर्सन नो स्कोप सेंसिटिविटी है ये आप उतनी ही रखें जितनी आपकी थर्ड पर्सन नो स्कोप की है कैमरा की, वो ही आप ADS की रखें गाइस नीचे, अकेला थर्ड पर्सन नो स्कोप की सिर्फ।
बाकी आप आपको एम करके देखना होगा और फिर उसके हिसाब से आप सेट करो। आपको रेड डॉट लगाना है गाइस वैसे ही, और आपको आपको गाइस शूटिंग करते हुए अपना एम चेंज करना है। शूटिंग के दौरान आपको जब अपना एम चेंज करेंगे, अगर आपको आपका थंब ज़्यादा मूव करना पड़ रहा है गाइस, तो आप समझो आपकी सेंसिटिविटी लो है एडीएस की, और आप थोड़ी सी हाई करो गाइस उसको। अगर आपका का एम जो आपका रेड डॉट और होलोग्राफी है जो अभी आपने जो स्कोप लगाया है, अगर वो नीचे को ज़्यादा जा रहा है, आप अपना थंब को नीचे को कर रहे हो थोड़ा सा और वो ज़्यादा नीचे जा रहा है, आपकी गन नीचे को हो रही है, तो गाइस आपको उसकी सेंसिटिविटी ज़्यादा, आपको उसकी कम करने की ज़रूरत पड़ेगी। 2x की भी आपको ऐसी सेंसिटिविटी, आप एम करते हुए आप फायर करते हुए आप एम करोगे गाइस, तो आपको उस हिसाब से सेंसिटिविटी कम ज़्यादा कर लोगे गाइस। तो 3x की भी गाइस आपको वैसी करनी है, और 4x की भी, 6x की भी गाइस आप स्प्रे करके देख सकते हो। गाइस मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप 3x 4x एंड 6x इसकी गाइस जब आप ADS की सेंसिटिविटी देखोगे, तो आप एक चीज जरूर करके देखना, आप इधर ऊपर चढ़ जाना गाइस। उसके बाद ऊपर चढ़ के गाइस आप जो ये गाड़ियां खड़ी होती हैं गाइस, इन पे आप फायर करके देखो। अगर आप एक स्प्रे में एक गाड़ी उड़ा देते हो गाइस, तो गाइस आपकी सेंसिटिविटी वो आपके लिए बेस्ट है। अभी आपको ये करके देखनी है कि एक स्प्रे से गाइज एक गाड़ी आपकी फट रही है, तो गाइज आपकी वो स्कोप की ADS की सेंसिटिविटी बेस्ट है। अगर आप नहीं फोड़ सकते तो गाइज आपके लिए कम या ज़्यादा है वो आप देखो। अगर तो आपका जो एम होता है वो इधर उधर जा रहा है, तो गाइज ज़्यादा है। अगर बिल्कुल भी नहीं जा रहा और ऊपर को जा रहा है गाइज, तो आपकी कम है, उसके उसको आप अपने हिसाब से देखो गाइज। तो गाइज बस आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना मत भूलिएगा। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब या शेयर नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए रोज़ाना ऐसी वीडियोस लेकर आता रहता हूँ। ओके गाइस, तब तक मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू गाइस।